दोस्तों वेलकम टू गोरीटेक चैनल। दोस्तों आज की वीडियो है इंटरनेट के ऊपर, ये जो कैट 5 और कैट 6 के कनेक्शन होते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाई मैंने। जैसे कि इनके बारिश के टाइम नेट बंद हो जाते हैं और लाइन शॉर्ट होती है बारिश के टाइम, आपको पता ही होगा। आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो बारिश जैसी आती है आपका भी नेट बंद हो जाता होगा एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लिए, किसी किसी के तो दो दो दिन के लिए भी नेट बंद रहते हैं। इसके अंदर मैंने प्रॉपर तरह से वीडियो बनाई और इनके डब्बे दिखाऊंगा, किस तरह से डब्बे होते हैं और कहाँ डब्बे लगे रहते हैं, डब्बे की हालत और कैसे कनेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। कैट 6 और कैट 5 में जो कनेक्शन होते हैं उन्हीं के ऊपर ये वीडियो फाइबर वाले पे लेनी है। और जैसे फाइबर पे भी बारिश के टाइम दिक्कत होती है नहीं होती, वो अगली वीडियो में बनाऊंगा बता के। और जिन्हें मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, लाल कलर का बटन आ रहा है नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो जाके। चलो तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुल बारिश का होने वाला है, इसी मारे बहुत से ऑपरेटर का लाइन बंद रहती है बारिश के टाइम। देखो पूरे में बादल 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 हो रहे हैं और रात भी बारिश आई है। ये देख सकते हो इंटरनेट के डब्बे की हालत, देखो क्या ये देखो पूरा बादल बादल हो रहा है और रात ही बारिश आई है। अब मैं आपको छत्ते भी दिखा देता हूँ कैसे पानी भर रहा है। ये देखो, ये देख रहे हो आप छत पे बिल्कुल में पानी पानी हो रहा है। ये ऐसे ऑपरेटरों के डब्बे जो पड़े रहते हैं इनमें पानी घुसता है, तभी बारिश के टाइम लाइन शॉर्ट होती है इनका। कभी पावर की दिक्कत, कभी डाटा की दिक्कत, तभी कस्टमरों का, बहुत से कस्टमरों का, आपका भी देखा होगा आपका कि बारिश के टाइम नेट ज़रूर बंद होता है। ये देख सकते हो आप, देखो बिल्कुल चढ़ाई पे ही डब्बा लगा रखा है इन लोगों ने। और डब्बे की हालत देखो, डब्बे की हालत मैं खोल के दिखाता हूँ आपको प्रॉपर तरह से। और डब्बा तो पहली बात ही खुला हुआ है और देख सकते हो जरा सा भी नीचे गया तो नीचे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगा रखा है डब्बा। हालत देखो डब्बे की, ये मैं इधर आया, ये देख सकते हो टीपलिंग का गीक स्विच लग रखा है। पावर आ रही है कि नहीं आ रही, एडाप्टर देखो उनका, ये पावर की तार इनकी, ये कैसे जा रही है ऊपर की साइड जा रही है, आपको प्रॉपर तरह से दिखाता हूँ। और खोल के देखते हैं पावर आ रही कि नहीं आ रही डाटा। पावर तो आ रही है, दो कस्टमर की लाइट भी आ रखी है, भाई इन कस्टमरों का नेट नहीं चल रहा होगा। ये देख सकते हो दो लाइट आ रही है, 6 नंबर 7 नंबर में, तो मेरे हिसाब से ये 4 पेयर का कनेक्टर लग रहा है, इनका डाटा होगा। इनका लग रहा है पीछे स्विच पे डाटा नहीं आ रहा, स्विच हैंग वैंग हो गया होगा ना तो पानी चला गया होगा स्विच के अंदर बारिश की वजह से। ये देख सकते हो, और मैं दिखाता हूँ कैसे डब्बा टाइट करके लगा। ये देखो डब्बे की हालत, कहाँ से कहाँ फेंक रखा, बारिश आएगी पानी डायरेक्ट डब्बे के अंदर जाएगा। ये देख सकते हो आप, बारिश आएगी तो पूरा पानी डब्बे के अंदर जाएगा और तार ही तार, और बिल्कुल छत के एंड पे डब्बा है देख सकते हो आप, छत के नीचे। बहुत से कस्टमर इंटरनेट के लिए बारिश के टाइम ज़रूर परेशान होते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। ये सब देखो डब्बा कुंडाई तोड़ के फेंक रखा है, किस ऑपरेटर रखा है उसे खुद पता नहीं है, उसकी लाइन कैसी पड़ी है।